आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के जागीरपुरी अंबेडकर पार्क में पुलिस बूथ बनाने का काम किया गया शुरू। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश यादव और अश्वनी बागड़ी द्वारा की गई शुरुआत, स्थानीय लोगों ने किया धन्यवाद। राजधानी दिल्ली के जागीरपुरी अंबेडकर पार्क में विधायक राजेश यादव और अश्वनी बागड़ी द्वारा पुलिस बूथ बनाने का काम शुरू किया गया। जागीरपुरी में अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। नशेड़ियों द्वारा अपने नशे की लत पूरी करने के लिए पार्क से ग्रिल चोरी करना, बिजली के तारों की चोरी दिन पर दिन बढ़ रही है, जिसके चलते आप विधायक राजेश यादव द्वारा पुलिस बूथ बनाने का काम शुरू किया गया, जिससे अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इस दौरान पूनम बागड़ी मौजूद रही। अश्वनी बागड़ी का कहना है कि जागीरपुरी में चोरों के हौसले बुलंद हैं, खुलेआम लोगों की मोटर चोरी हो जाती है, जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस बूथ का उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को सुरक्षा मिल सके। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। अश्वनी बागड़ी जी, आज क्या क्या प्रोग्राम है? देखिए, अभी हम अंबेडकर पार्क में खड़े हैं और यहाँ पर जहाँ माननीय हमारे विधायक अजेश यादव जी अपना बजट लगा के ग्रिल लगाने का काम करते हैं, फुटपाथ बनाने का काम करते हैं, बिजली की लाइटें लगाने का काम करते हैं, पूनम बागड़ी जी द्वारा इन पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाता है, वहीं प्रत्येक दिन यहाँ पर नशेड़ियों द्वारा ग्रिल काट ली जाती है, बिजली के खंभों की तार उखाड़ ली जाती है। अभी ये राष्ट्रीय ध्वज लगाया, इसके बक्सों के जो हैं MCB उतार लिए गए। अनेकों बार हमने दिल्ली पुलिस को शिकायत की है, परंतु उनके कान में जू नहीं रेंगती। रात को ये गेट बंद होता है, नशेड़ी आते हैं, बाहर से लूट मार करके आते हैं, यहाँ पर माल आपस में बंटवारा करते हैं, समय की आते हैं वो यहाँ से, चाहे वो ग्रिल तोड़ने का काम हो, जिम तोड़ने का काम हो, बिजली की तार जलाने का काम हो। इस पार्क के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, और साथ ही वो लोग कभी जहांगीरपुरी के अंदर कोई भी किसी की पानी की मोटर लगी है उसे उखाड़ने का काम करते हैं, किसी ने नाली में जाली लगा रखी है तो उसे हटाने का काम करते हैं, घर में चोरी करते हैं, सरेआम रास्ते में चाकू दिखा करके पैसे लूटे जा रहे हैं। तो इस मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है? देखो, हमने कई बार पुलिस को बोला है, पुलिस की कार्रवाई भी होती है, लेकिन मुस्तैदी उस तरीके से नहीं हो रही। इस पार्क में प्रत्येक दिन ग्रिल काटी जा रही है, ये ग्रिल कोई लंदन में तो नहीं जा रही, कोई तो कबाड़ी इसको खरीद रहा होगा, उस कबाड़ी से पता करें वो चोर कौन है, और उस कबाड़ी पर दंड उसे दंडित किया जाए कि वो इलाके का चोरी का सामान क्यों खरीदता है, और उन चोरों पर पक्की कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर के आज अम्बेडकर पार्क में यहाँ पंचायत हुई है और यहाँ पर जनता की तरफ से एक पुलिस बूथ बनाया जा रहा है, जिसका आज उद्घाटन किया जाएगा, और इसको विधायक श्री अजेश यादव जी, पूनम बागड़ी जी और जनता के सहयोग से इसको बनाया जा रहा है, उसको पर आज बनाने का कार्य शुरू कर रहे हैं। कोई NGO के माध्यम से बन रहा है? नहीं, ये जनता की तरफ से बन रहा है, भाई अजेश यादव जी के सहयोग से, निगम पार्षद पूनम बागड़ी जी के सहयोग से, हम सब लोगों के सहयोग से हम इस पुलिस बूथ को। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।